मीनू, आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अदरक का पाउडर बनाना बताऊंगी। ये अदरक पाउडर बनाकर आप 6 से 7 महीने या इसे अगर पानी नहीं लगेगा तो आप पूरे साल यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से बनेगा। जब अदरक महंगा हो या सस्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आप सब्जी में डालिए, चाय में डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर बताइए। जिंजर पाउडर बनाने के लिए ये हम जिंजर को इस तरह से पील कर लेंगे। इसको हमने धो करके अच्छे से रखा है, इस तरह से पील कर लेंगे और इसके हम बारीक बारीक स्लाइस कट कर लेंगे। स्लाइस कट करने के बाद इसे 2 दिन 3 दिन अच्छे तेज धूप में इसको अच्छे से हम सुखा लेंगे। इस तरह से अदरक को हम पूरा पील करके इस तरह से करके हमने इस तरह बारीक बारीक इतने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है और इसे 2 दिन 3 दिन की तेज धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। इस तरह से पतले स्लाइस और रिंग्स में काटेंगे ना तो इसके जैसे पाउडर बनाते समय अच्छे से पाउडर बनेगा, ज़्यादा इसमें रेशे टाइप का नहीं दिखेगा। और इसको इस तरह से फैला के 2 दिन 3 दिन धूप में रखेंगे। ये अदरक इस तरह से पूरा सूख के देखिए किस तरह से ये टूट रहा है। इसे हमने 2 दिन का धूप अच्छे से लगा लिया, ये बिल्कुल एकदम सूख गया है। अब इसका हम पाउडर बनाएंगे। इसे हम बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये पाउडर काफी अच्छा देखिए पीस गया, बहुत ही अच्छा पीस गया। इसे छानने की जरूरत नहीं है, ये काफी बारीक पीस गया है फ्रेंड। अगर आपको जरूरत है तो इसे छान के एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप 6 महीने इसे रख के बहुत ही अच्छे से यूज में आएगा। ये देखिए काफी अच्छा पाउडर रेडी हो गया। ये अदरक का पाउडर है और इसे आप बनाकर एयर टाइट डब्बे में 6 महीने तक रखिए और इसे आप चाय में सब्जी में आप यूज कीजिए, बहुत ही टेस्टी बन जाएगा।